और ये पहाड़ के जस्ट किनारे में जो देख सकते हैं ये खूबसूरत सा घर। तो कुछ नहीं किया अभी, झाड़ लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। खाने में क्या क्या बना है? चावल बना है। खाना पीना सब बना के देते हैं यहाँ? हाँ। और जैसे नाइट में यहाँ पे रुकना चाहे तो भी रुक सकते हैं? हाँ। तो आपके यहाँ तो पूरा बराती रुक सकते हैं, इस टाइप सा व्यवस्था है? पूरा बराती हाँ। इसमें कुछ भी रख सकते हैं, साग सब्जी वगैरह। पानी की कोई कमी नहीं, इधर पूरा नाली बना हुआ, पूरा नेचर का पानी। इधर जितना भी देखेंगे किनारे किनारे तो पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे, और कहीं कहीं पे इक्का दुक्का घर भी हैं, और बड़ा बस्ती शायद उधर आगे होगा। और यहाँ जो है लोग देख सकते हैं गेहूं की जो है खेती किए हुए हैं, और ये देख सकते हैं सुरक्षा बैल बकरी नाग घोसे करके जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे खेती किया गया है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा छत्तीसगढ़िया जोहार, में करम ध्रुवे हमेशा की तरह स्वागत करता हूँ आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही खूबसूरत गांव में जो है आया हुआ हूँ। मेरे पीछे इधर काफ़ी खूबसूरत पहाड़ी है, हालांकि अभी पहाड़ी जो है आप लोग को दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है, बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा। ये रास्ते में पानी सब है, काहे कि पहाड़ का नेचर का पानी जो इधर बहता है, इसीलिए इधर गेहूँ की खेती वगैरह जो है किए हैं। और ये पहाड़ के जस्ट किनारे में जो देख सकते हैं ये खूबसूरत सा घर। तो ये आप लोग का किचन रूम है? हाँ, किचन है, अभी तो अव्यवस्थित है, कुछ चीज़ नहीं की है। ऐसा तो कुछ नहीं किया अभी, झाड़ लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। खाने में क्या क्या बना है? चावल बना है, और मसूर का दाल। आलू का भुंजड़ी। वाह, और इधर बिस्तर उधर भी है, और है। तो दोस्तों देख सकते हैं पहाड़ वाला घर, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है, और यहाँ पे दीदी जो हैं खाना पीना सब बनाती हैं, कुछ इस प्रकार से रसोईया सामान जो है रखी हुई हैं। और इधर एक खटिया है, और इधर झाल में बर्तन वगैरह हैं, और काफ़ी प्यारा है घर। ये क्या है? सूपा। वाह, इसमें चावल सब? चावल कुछ होते हैं। तो चलिए और दिखाइए घर आपका। गांव के लोग जो हैं कुछ इस प्रकार से जो है गेट बनाते हैं, ठीक है। तो अंदर, अच्छा ये बेडरूम है? हाँ, बेडरूम। वाह, तो दोस्तों ये देख सकते हैं पहाड़ वाला घर कह सकते हैं, और इस प्रकार से जो है बेडरूम है। ऐसा तो गेस्ट आते हैं तो मतलब उन लोग का खाना पीना सब बना के देते हैं यहाँ? और जैसे नाइट में यहाँ पे रुकना चाहे तो भी रुक सकते हैं? रुक सकते हैं। उधर भी है। और है, लेकिन बेड नहीं है उधर, सोने की व्यवस्था है ऐसा। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से इन लोग का। ये क्या है? ये इसको गांव भाषा में शायद झउहा की का बोलते हैं। झउहा। तो क्या रखते हो इसमें? इसमें कुछ भी रख सकते हैं, साग सब्जी वगैरह। साग सब्जी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं काफी यूनिक तरीका से जो गांव में सूपा वगैरह जो बनाते हैं, तूरी जाति जो कि ये सब बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मतलब पहाड़ी वाला घर में कुछ यूनिक चीज देखने के लिए मिल रहा है। और कुछ और भी है क्या रूम? ऐसा, चलो ये देख सकते हैं दोस्तों वेलकम टू पहाड़ वाला घर, ठीक है। तो ये इन लोग का यहाँ पे शायद होम स्टे चलाते हैं, यहाँ पे मेन पार्ट होम स्टे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, तो इस कॉन्टेक्ट नंबर से मतलब कोई अगर यहाँ आना चाहे तो आ सकते हैं। अच्छा, ये भैया का होगा? अच्छा, चलिए इधर दिखाइए। क्या है इधर?
तो दोस्तों देख सकते हैं ये, तो आपके यहाँ तो पूरा बाराती रुक सकते हैं, इस टाइप सा व्यवस्था है, पूरा बाराती हैं। काफ़ी सारे गद्दा कम्बल वगैरह जो है इधर रखी हुई है, और इधर क्या है, इधर भी वही है, इधर भी इधर और गद्दा वगैरह। ये सब क्या है तब, ये हैं एक कैंपिंग टेंट है जो बाहर लगा के कहीं सो सकते हैं, ऐसा तंबू वाला, तंबू वाला। तो मतलब जितना भी आ सकते हैं वो सबके लिए आपके पास व्यवस्था है कहना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं बाहर से कोई टूरिस्ट अगर आ जाते हैं तो इस प्रकार से जो है व्यवस्था है इन लोग के पास। काफ़ी सारे गद्दे वगैरह हैं, कम्बल वगैरह हैं, और ये देख सकते हैं घर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। और इधर और कुछ काफ़ी सारा सामान दिख रहा है, इधर सारा गद्दा है वो भाई मतलब जितना भी आ सकते हैं इस पहाड़ वाला घर में दोस्तों, व्यवस्था की कमी जो है बिल्कुल नहीं है, सारा चीज़ व्यवस्था है ना। ये पूरा भी आपको हर रूम में हर जगह देखने को मिलेगा, लाइट बोर्ड। अच्छा, तो अभी फिलहाल सामान जो है बिखरा हुआ कहना चाहिए। हाँ, बहुत दिन से नहीं आए थे ना यहाँ, तो बिखरा हुआ पड़ा है, मैं भी तो आज ही आई हूँ यहाँ। यहाँ पे कोई जैसे टूरिस्ट आ जाए तो खाना उना पूरा बना के खिलाना सब खिलाते हैं भैया लोग? तो भैया लोग कहाँ हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं घूमने, शायद बाहर गए होंगे ऐसा। हाँ। तो आपका ये वाला पहाड़ वाला घर, जैसे कोई टूरिस्ट अगर आना चाहता है, एक आध दिन कैंपिंग करना चाहता है तो आ सकते हैं? आ सकते हैं बिल्कुल। तो कॉन्टेक्ट नंबर यही है, यही वाला है, इसमें ये वाला। हाँ। तो पानी कहाँ से लाते हैं? पानी की कोई कमी नहीं है, इधर पूरा नाली बना हुआ है, पूरा नेचर का पानी। हाँ, और वहाँ से पंप के द्वारा भी लाया जाता है। हाँ हाँ, और इसको क्या बनवा रहे हो तब? ये झोपड़ी है, झोपड़ी है, तो नहीं तो कुछ तो होगा ना इसका मतलब। तो क्या बनाने के लिए सोचे हैं इसको, टूरिस्ट लोगों के लिए? हाँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये नया बना रहे हैं शायद, और इसमें जो देख सकते हैं काफी खूबसूरत ये लाइट ही लगी हुई है ना। अच्छा, रात में काफी अच्छा दिखता है ना। पूरा में लाइट लगा हुआ है, लेकिन नाइट वाला व्यू ठीक लगता है। हाँ, इसमें जो है पायरा प्लास्टिक को जो है इसका छत बनाया गया है, और यहाँ पे जो है लोग आग सब तपाते हैं। हाँ, अभी ठंड का सीजन है तो बहुत ठंड लगता है, और पहाड़ी एरिया में तो हल्का ठंड लगबे करता है। हाँ। कहो पहाड़ी एरिया आएंगे तो मतलब ठंड जो है लगबे करता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे गोरसी का व्यवस्था किया गया है ताकि आप आग का भी आनंद यहाँ पे ले सकते हैं। और इधर क्या है, नहर। हाँ, तो ये पानी कहाँ से आता है? डैम डैम है कि झरना, वाटरफॉल कुछ? हाँ, वाटरफॉल, डैम भी है बांध। तो दोस्तों ये इस घर के साइड में जो है छोटा सा देख सकते हैं नहर जैसा, जो कि पहाड़ों से जो है ये पानी नीचे बह रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और पूरी रात भर आपको तो पूरी रात भर यहाँ कल 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 की आवाज़ आती होगी, ये देख सकते हैं पूरा नेचर का पानी जो है इसमें बह रहा है, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इन लोग का यहाँ पे व्यवस्था है। तो टूरिस्ट लोग आते हैं तो फिर क्या चार्ज होता है यहाँ, कुछ आइडिया है? नहीं पता, भैया ही बताएंगे। ऐसा दोस्तों ये देख सकते हैं बांस का कुछ इस प्रकार से गेट बनाया गया है, और ये पहाड़ वाला घर को जो है बिल्कुल दुल्हन जैसा जो है सजा दिए हैं। मतलब रात में जो है यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जलाते हैं? हाँ। अब ये कुतिया आपका है? हाँ, यही का है। ऐसा, चलो बहुत बढ़िया। अपना नाम पूछना भूल गए? मेरा सुरंजना। सुरंजना, और मेरा भी यूट्यूब चैनल है। ऐसा। हाँ। वाह, तो यहाँ पे कैसे? मैं सोची कि आज मैं भी इस घर का कुछ काज बना लूं। अच्छा, तो दोस्तों ये है सुरंजना सिदार, ठीक है, और इनका भी यूट्यूब चैनल है, जो कि ये भी इस होम में जो है विजिट की है, तो हमने कहा कि
थोड़ा होम टूर करा दो। फिलहाल यहाँ जो रहते हैं वो भैया जो हैं नहीं हैं, तो सुरंजना ने जो है पूरा घर का होम टूर दे दिया। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस घर में जो भाई आना चाहते हैं, जो टूरिस्ट माइंड पार्ट घूमना फिरना चाहते हैं, एक आक रात यहाँ पे होम स्टे जो है करना चाहते हैं, तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जगह है। इधर देख सकते हैं पूरा नेचर, पूरा पहाड़ पर्वत से घिरा हुआ ये गांव है। और ये देख सकते हैं घर, यहाँ पे आपको रहने का जो है सारा व्यवस्था जो है मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ का जगह है। तो दोस्तों अभी जो है जो भैया होम स्टे चलाते हैं वो भैया जो है आ गए हैं। ये देख सकते हैं वैभव भैया, जय जोहार। तो भैया आपका होम स्टे हम आए थे और पूरा घर हमने देख लिया है। अच्छा, तो भैया यहाँ आए? हाँ, ये कराई है। तो यहाँ जैसे कोई भी टूरिस्ट अगर आना चाहता है तो भैया क्या चार्ज लेते हैं आप उनसे? पहले तो मैं यहाँ की जानकारी बता देता हूँ। ये जो पहाड़ वाला घर है वो हमारा मैनपाट के जस्ट तराई क्षेत्र में पड़ता है, और जैसा बताऊँ कि बीगापुर से समथिंग 60 किलोमीटर, और इधर रायगढ़ बोलेंगे तो रायगढ़ से 150, और बिलासपुर से समथिंग 250 आसपास की दूरी पर पड़ता है ना। ये गांव का नाम क्या है भैया? गांव का नाम है उड़मकेला। उड़मकेला, हाँ। और जैसा कि जो भी आदमी आता है शुरुआत में तो लगता है कि मैं थोड़ा सा दूर आ रहा हूँ करके, लेकिन जैसे यहाँ इंटर करता है ना, जैसे गेट इंटर किया उसको लगेगा कि मैं एक सुकून की दुनिया में पहुँच गया पूरा। नेचर वाला घर है, नेचर से थोड़ा मोड़ा जिसको लगाव है ना वहाँ, मतलब वो यहाँ आता है ना उसका दिल खुश हो जाता है। जैसा ही इंटर करेगा उसका पानी का वाटरफॉल का आवाज सुनाई देगा, झरझर, तो पूरा मन एकदम गदगद हो उठता है। तो बस वही चीज है कि इस जगह में जो भी आया उसका मन खुश हो जाएगा। और प्राइजिंग की बात करो तो यहाँ कई सारे प्राइस हैं, जैसा बताना चाहूंगा कि सबसे लोएस्ट प्राइस को मैं बता रहा हूँ 1200 रुपए में दोस्तों, स्टे, डिनर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और बॉनफायर, सॉफ्ट म्यूजिक, ये सब आपको सारी सुविधाएं दी जाती है ये पर पर्सन के हिसाब से दोस्तों। और पास में ही यहाँ एक ट्रैकिंग भी कराया जाता है जिसका नाम है मंदाकिनी वाटरफॉल, यहाँ से लगभग वही 3-4 किलोमीटर पड़ता है, और जो भी बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। अच्छा, इधर जाना पड़ेगा? हाँ, इधर से ही ट्रैकिंग करा सकते हैं। और यहाँ से पहाड़ी कुरवट जो होते हैं पीछे में ही है, तो उनका भी जो घर वगैरह है वो सब एक्सप्लोर कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जानकारी के लिए।